बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने चैनल सैम्स कलेक्शन 5 में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जो है शॉपिंग बैग, जो हम बाज़ार में काफ़ी चीज़ें लेने जाते हैं तो शॉपिंग बैग जो नहीं मिलता, तो हमारे पास जो आटे की बोरी आती है जिसमें हम लोग आटा लेते हैं या चावल वगैरह, तो हम लोग अमूमन उसको फेंक देते हैं। तो इससे हम बनाएंगे शानदार सी एक जो है चीज़। आप देखिएगा, मैंने जो है लिया था तकरीबन 21x18 का एक पीस, जो मेरे पास स्प्रेडशीट के बचे हुए टुकड़े थे तो मैंने उनसे ले लिया। और मैंने जो है इस आटे के जो है बोरी को भी इतना ही लिया था, 18x21। तो इस पर मैंने कपड़ा जो है रख दिया था, तो वो मेरे पास कम था लेंथ में, ठीक है। तो इसमें मैंने एक जो है और एक पीस ऐड करने के लिए एक पीस निकाला, देखिए। तो उसको मैं अटैच कर दूंगी इसके साथ, तो मेरी लेंथ इसकी काफ़ी हो जाएगी। मैं तो ये देखिए, इसकी लेंथ सेट हो गई। तो अब हम इसको इसका जो है अस्तर जो है मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास ये है ओल्ड जो है शलवार पड़ी हुई थी, तो इसमें मैंने इसका अस्तर लगाना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी। आप घर में कोई भी कपड़ा हो बचा हुआ या फिर है, तो उसमें इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती हैं। तो मेरे चैनल पर देखिए, बहुत ही काफ़ी आपको जो है आइडियाज़ मिलेंगे हर किस्म के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना लाजमी है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने काम किया है अच्छा है या सही है। ये मेरे कुछ भी आपको मेरे चैनल जो है वीडियोस के मुताबिक कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी अस्तर का कपड़ा, मैंने तकरीबन 1 इंच ज़्यादा रखा था तो सिलाई करने के लिए मुझे आसानी होगी। तो मैंने ये तकरीबन 15 इंच की जो है स्ट्रिप हैं, इनको मैंने फोल्ड करके पहले से बना के रख दिया था। तो ये मैं तकरीबन 7.5 इंच के जो है निशान लगाऊंगी फासले पर, ठीक है। और वहाँ यहाँ पर जो है मैं स्ट्रिप्स जो है ऐड कर दूंगी 7.5 इंच पर, मैंने दोनों तरफ से निशान लगा दिए हैं। अब मैं इस स्ट्रिप को जो है यहाँ पर रख दूंगी, ठीक है। और फिर मैं इसके ऊपर जो है ये रख दूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, अब इसको मैं पलट दूँगी, देखिए। और पलटने के बाद मैं इसके ऊपर जो है एक सिलाई लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर। और उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 4-4 इंचेस के फासले पर ऐसे ही मैंने यहाँ पर आड़ी और तिरछी दोनों साइड से मैंने सिलाइयाँ मार दी, ताकि जो है ये कपड़ा और जो है अंदर सारे फिक्स हो जाएं। उसके बाद जो है मैं तीनों साइड से ऐसे सिंपल सिलाई लगा दूंगी, ताकि जो है उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी, ठीक है। और पलटने के बाद जो है मैं तकरीबन इसको जो है 1 इंच पर ऊपर से सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप ये नहीं कि उसमें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, जो सारे जो है कॉर्नर निकले हुए होते हैं वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। वो सफाई से अंदर से सेट हो जाएगा। ये मैंने इसके ऊपर ये देखिए तकरीबन 1 इंच जो है इसमें छोड़ के स्पेस, और इसमें मैंने सिलाई लगा दी थी, ठीक है। तो और अब मैं क्या करूँगी, इसको सीधा करके ये देखिए, ये मैंने इसको जो सिलाई लगा दी थी तो इसमें कोई भी जो है रैशेज वगैरह नज़र नहीं आ रही, मतलब धागे वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहे। अब ये है, इसमें मैंने 2-2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया, उसमें काट दूंगी, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सिलाई सीधा करके इसको सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद जो है ये देखिए,
माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है चीज़ बनती है। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें और कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।